शिवसेना नेता संजय राउत के घर पर करीब 4 घंटे से ईडी की टीम मौजूद है। ईडी अधिकारी आज सुबह सुबह उनके आवास पर पहुंचे थे। इस बीच संजय राउत के घर से बाहर झांकते नजर आए। न्यूज एजेंसी एएनआई ने इसका वीडियो भी जारी किया। महाराष्ट्र के 1,000 करोड़ से ज्यादा के पात्राचोल जमीन घोटाले में ईडी की टीम संजय राउत से पूछताछ कर रही है। उन्हें 27 जुलाई को ईडी ने तलब किया था, हालांकि वह अधिकारियों के सामने पेश नहीं हुए थे। इसके बाद ईडी के अधिकारी उनके घर पहुंचे। माना जा रहा है कि ईडी की टीम संजय राउत को हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है। संजय राउत पर जांच में सहयोग न करने के आरोप है। इस बीच संजय राउत का ट्वीट सामने आया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि मेरा किसी घोटाले से कोई लेने देना नहीं, यह मैं शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की शपथ लेकर कह रहा हूँ। बाला साहेब ने हमें लड़ना सिखाया है, मैं शिवसेना के लिए लड़ना जारी रखूंगा। उन्होंने ईडी की कार्रवाई को झूठी कार्रवाई बताया, कहा झूठे सबूत है, मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा, मैं मर भी जाऊंगा तो भी समर्पण नहीं करूंगा। इस बीच भाजपा नेता किरीट सोमैना का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैंने संजय राउत की लूट के सबूत दिए थे, प्रदेश की जनता को लूटने वाले राउत का आज हिसाब होगा, उन्हें नवाब मलिक के पास रहने के लिए जेल जाना ही होगा। वहीं नीतीश राणा ने कहा कि अब चौल की जनता को इंसाफ मिलेगा, जो रोज लोगों की सुबह खराब करते थे उनकी सुबह आज खराब हो गई।